मैं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर दीपक सिंह यूट्यूब चैनल। किसी भी बैंक का टेक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपने माइक्रोएटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से डीएलसी इंक्वायरी करेंगे, मतलब कि कैसे पता करेंगे कि किसी प्रिजनर्स के मोबाइल नंबर के माध्यम से कि उनका डीएलसी के लिए जो अप्लाई किए हैं वो सक्सेस हो गया कि नहीं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहले हम अपना मोबाइल का मेन्यू बार ओपन करेंगे, नेक्स्ट माइक्रोएटीएम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए लॉग इन विथ यूजर आईडी और पासवर्ड पुटअप करेंगे, नेक्स्ट लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन के सामने जो बॉक्स है उस पर हम टिक लगा देंगे। देखिए ओपन हो गया। नेक्स्ट जो कॉर्नर में थ्री स्टेट लाइन दिया उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फोर्थ ऑप्शन प्लस पर क्लिक करेंगे। देखिए सेकंड ऑप्शन है डीएलसी इंक्वायरी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मांग रहा प्रिजनर्स मोबाइल नंबर, तो जिनके मोबाइल नंबर से हम डीएलसी के लिए अप्लाई किए हैं उनका मोबाइल नंबर पुट कर देंगे। नेक्स्ट सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो प्रिजनर्स का मोबाइल नंबर डाले उस नाम से खेदना देवी का प्रमाण आईडी बना हुआ है। देखिए जब सक्सेस हुआ है तो स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है और कैश कलेक्टेड जिसका 70 रुपीज चार्ज लगता है यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट हम एक और नंबर चेक करते हैं जिसमें अनसक्सेस दिखाता है। देखिए यहाँ पर हम नंबर पुटअप करेंगे। नेक्स्ट सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें ना कोई प्रमाण आईडी दे रहा है और जो स्टेटस है वो फेल्योर दिखा रहा है। तो आप इजीली यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस क्या है, सक्सेस है कि फेल्योर। एट लास्ट वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।